हाई गाइज वेलकम बैक तो कुछ दिनों पहले uh, मुझे मेरे एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना था और बर्थडे पार्टी का थीम था बॉलीवुड कैरेक्टर्स तो मैंने सोचा कि कुछ हट के करना चाहिए क्योंकि यू um, नो you know, अगर डी आर वाई कर रहे हैं कुछ क्राफ्ट से है आर्ट से रिलेटेड वीडियोज़ कॉन्टेंट में बनाती हूँ तो ऑब्वियसली आई शुड टेक इट अप एज अ चैलेंज तो मेरे जहन में तीन चार ऑप्शन थे एक तो था आ, कबूतर फ्रॉम मैंने प्यार किया टफ़ी फ्रॉम हम आपके हैं कौन और तीसरा ऑप्शन था जादू तो मुझे लगा कि आ, जादू ज़्यादा रिलेटेबल है लोग आसानी से पहचान पाएंगे तो इसलिए मैंने ये जादू का कॉस्ट्यूम पूरा हेड टू टो क्रिएट किया एंड uh, इसलिए ये आपको वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ ताकि अगर आपको अगर uh, किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आपके बच्चे को भेजना हो या ऐसे ही थीम पार्टी में आपको जाना हो तो आप ये आइडिया ट्राई कर सकते हैं तो बहुत सोचने के बाद फाइनली uh, मैंने जो ये क्रिएट किया है ये जो एलियन मास्क मैंने बनाया है ये मैं आपको दिखाती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्ट एट तो सबसे पहले जो एलियन का सर है उसको बनाने के लिए मैंने एक हेलमेट ख़रीद लिया फोर फिफ्टी रुपीज़ में ये आ, अच्छा सा हेलमेट मुझे मिल गया ओके अभी मैं एलियन की जो आंखें हैं उसकी मार्किंग करूंगी क्योंकि उतना ही पोर्शन ओपन होगा बाकी हम पूरा इस हेलमेट को कवर करने वाले हैं ये करते वक्त जादू का एक फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट करके रख दिया था और बार बार उसको देख के मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करके आ, ये मार्किंग्स कर रही थी अब ये मार्किंग हो गई है इसके बाद जो पूरा हमारा हेलमेट है उसको हमको फॉइल से कवर कर देना है मैं भी ये प्रोजेक्ट पहली बार कर रही हूँ लाइफ में इसलिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने में टाइम लग गया अब मास्किंग टेप ली है मैंने और मास्किंग टेप के हेल्प से मैं इसको हेलमेट पे चिपका दूँगी तो आप पूछोगे कि फ़ॉइल लगाने की क्या ज़रूरत है हम तो ऐसे ही पेंट करके हेलमेट को हम जादू बना सकते हैं बट ऐसा नहीं है ये हेलमेट का शेप अलग है और जादू के फेस का शेप अलग है तो इसलिए उसको एक शेप देने के लिए जादू का फ़ेस लगे ऐसा शेप देने के लिए ये फॉइल लगाना बहुत ज़रूरी है अच्छा ये बैकग्राउंड में जो कुकर की सीटी बज रही है बाय द वे आज हमारे घर में पुलाव बन रहा है एंड आई जस्ट कान वेट टू ईट इट अब जादू का जो नाक है वो थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे कॉनिकल शेप है उसका तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे और फॉइल लगा के उसको एक अच्छा सा डायमेंशन दे रही हूँ अब मेरे पास जो जादू का रेफरेंस फोटो है उसमें उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे गैप ऐसे होल रखने वाली हूँ और इसी तरह से फॉइल लगा लगा के मैं उसके लिप्स बनाऊंगी और उसका मुंह खुला दिखेगा जादू का फेस जितना बड़ा है उतने ही क्यूट से छोटे से उसके कान है तो ये मैंने फॉइल से उसको शेप दे के कान बना दिया कौन कान बना दिया और अच्छा अभी पूरे फॉइल को हमको मास्किंग टेप से कवर कर देना है ये साइड में आपको ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है तो मेरे पास एक ब्लू कलर का स्प्रे पेंट था तो मैंने सोचा कि थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ कि ये कलर अगर मैच हो रहा है तो वही यूज़ कर लूँगी एंड मैच हो रहा था सो या आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पेंट अभी पेंट करने से पहले एक बार ट्राई करके देखती हूँ इस एलियन मास्क को Uh, अगर फिट हो रहा है या कोई uh, और चेंजेस करने हैं बट आई थिंक इट्स परफेक्ट वट यू थिंक अच्छा मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ पेंट करने से पहले हमको और एक स्टेप करना है कर लो तो ये न्यूज़पेपर के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लो और uh, एक दूसरे बोल में फेविकॉल ले लो जो मेरा ख़त्म हो गया है बट uh, ठीक है यार पूरा स्क्वीज़ आउट करके निकाल दूँगी इतना काफ़ी है मेरे लिए आई थिंक फॉर दिस प्रोजेक्ट और फेविकॉल में डालना है हमको पानी बहुत सारा बहुत सारा नहीं थोड़ा सा मतलब जितना फेविकॉल है उससे से अगर आप वन स्पून फेविकॉल ले रहे हो तो तीन स्पून वाटर ओके इतना प्रोपोर्शन में लेना है अभी इसको अच्छे से मिक्स करो मिक्स करो मिक्स करो मैंने एक्चुअली एक ब्रश के हेल्प से मिक्स करने की कोशिश की बट ये अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा था फाइनली मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए अपने हाथों से इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दिया नाउ लेट्स गेट ऑन टू द फन पार्ट ये जो हमने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं उसको इसमें डिप करना है पूरा भिगोना है और एक, एक एक करके पूरे मास्क पे चिपका देना है अब इसके बाद का जो स्टेप है उसको करने की एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं थी बट मैं पहली बार कर रही हूँ इसलिए हो गई यार गलती बट ये गलती आप ना करें तो बेहतर है तो मैंने इस न्यूज़पेपर को ड्राई होने दिया और उसके बाद लगाया मैंने ये पुट्टी का एक लेयर एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी अच्छा चलो अभी आपको अगर और थोड़ी डिटेलिंग करनी है थोड़े और उसको टेक्सचर देना है तो आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे जो उसका सर है सर पे एक डिज़ाइन टाइप का कुछ है कुछ पता नहीं क्या है तो उसको करने के लिए मैंने क्ले का यूज़ किया है एंड अभी मैं पूरे मास्क को ब्लू कलर से पेंट आई मीन स्प्रे कर दूँगी अब यार स्प्रे करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्लू है यार अभी इसको थोड़ा और लाइट करना पड़ेगा तो डबल द काम इसलिए मैंने अभी इसको थोड़ा लाइट ब्लू कलर से आ, स्पंज के हेल्प से थोड़ा ऐसे डैप कर रही हूँ और लाइट कर रही हूँ कलर को अब थोड़े और फिनिशिंग टचेस दे देती हूँ थोड़ी शेडिंग करती हूँ एंड थोड़ी देर में मेरा ये मास्क रेडी हो जाएगा अब चलो इसको पहन के थोड़ी मस्ती भी कर ले थोड़ा डांस कर ले बट ये इतना मज़ेदार था कि अ, मेरे फैमिली में सबको इसे ट्राई करना था तो मेरे हस्बैंड है उसको मास्क लगाकर डांस कर रहे हैं चलो बस यार निकाल दो ये मास्क पूरा दिन पहन के घूमोगे अब इसका जो येलो कलर का रेनकोट है वो भी मैंने बना लिया एंड नाउ लेट्स ट्राई इट ऑन विद द फुल कॉस्ट्यूम चलो नाउ आई एम रेडी लेट्स गो चलो अब बहुत पोजिंग कर ली बहुत सारा डांस कर लिया बहुत सारी मस्ती कर ली अब और मस्ती करनी है इसलिए चलते हैं मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में कमाल की बात यह है कि मुझे इस पार्टी में क्रिश भी मिल गया तो जादू को क्रिश मिल गया इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है चलो क्रिश के साथ थोड़ी सी डांसिंग चांसिंग हो जाए और क्रिश के बाद मुझे मिली जादू की बहन जादूगरनी <laughs> नहीं एक्चुअली मैं ही हूं तो ये था हमारा जादू का आउटफिट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में